अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का रमज़ान भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा गुजर रहा होगा। आज मैं अपने गार्डन की क्लीनिंग कर रही थी, समोसे वगैरह तो सब कुछ बना लिया हुआ था, तो मैंने सोचा चले आपको भी अपना गार्डन दिखाती हूँ। ये मेरी छोटी छोटी स्पैरो, मैं इनको इसलिए पीछे से आपको दिखा रही थी कि इनके पीछे कोई स्टिकर वगैरह लगा हुआ। ये मैं अमेरिका से लेके आई थी, तो मुझे उस शॉप का नाम ही भूल गया था कि उसका क्या शॉप का नाम है। ये जो छोटा सा रैबिट है ये भी मैं अमेरिका से लेके आई थी, और ये जो पूरा स्टैंड है ये मैंने आईकिया से लिया था। और ये सारे प्लांट्स की अपनी अपनी एक स्टोरी है, ये सारे इनडोर प्लांट्स हैं मेरे। तो जब मैं इनको लेके आई थी तो उसने हमें ये बोला था कि इनको इंडोर रखना है, आप लोगों ने इसको बाहर नहीं रख सकते। तो जब मैंने इनको अंदर रखा तो ये आहिस्ता 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 सारे मुरझाना शुरू हो गए, मोस्टली ये ख़त्म ही हो गए थे। तो मैंने फिर एकदम बस ऐसे ही गुस्से में आके और थोड़ा सा दुख में भी इनको घर से थोड़ा बाहर निकाला कि इनको शेड के नीचे, ऐसे मतलब कि छाँव के नीचे रखते हैं, थोड़ी सी धूप आए हवा लगे तो शायद ये ठीक हो जाए। तो ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये मैंने जब घर से इनको अपने इनडोर से आउटडोर किया तो ये एक साल के अंदर अंदर माशाल्लाह इतने ज़्यादा, ये सब मेरे जो प्लांट्स हैं ये सारे इनडोर थे। बस ये जो आपको बड़ा सा नज़र आ रहा है ना ये आउटडोर था, ये इसके साथ वो ब्राउन वाला वो भी आउटडोर था, बाकी ये बड़े बड़े जो आपको नज़र आ रहे हैं अच्छे वाले जिनके वास है वो सारे इनडोर थे। तो ये मैंने बाहर रखने में एक, ये मुझे एक साल हो गया, ये मतलब कि एक साल भी नहीं, ये मुझे अपने घर पे लाए हुए भी इनको 6-7 साल हो गए हैं। तो मेरी तो यही बस एक चीज़ है कि आप लोग अपने प्लांट्स के साथ जितना टाइम स्पेंड करें, जितना इनके साथ आप प्यार करें, इनके साथ बैठ के आप बातें करें, तो इनको सब कुछ फील होता है, इनको सब समझ में भी आता है। तो मुझे प्लांट्स वगैरह रखना बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये रही मेरी चिड़िया के लिए खाना, यही मैंने यहीं पर रखा होता है इनके लिए हमेशा से। तो माशाल्लाह ये सुबह के टाइम इतनी ज़्यादा यहाँ पे परिंदे वगैरह आके तो खाना खाते हैं। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए किया करें कि पानी या थोड़ा सा खाना आप लोग अपने दरवाजे के पास रख दिया करें। तो ये भी मैं अमेरिका से लेके आई थी, यहाँ पे मैंने बहुत कोशिश की थी इसको हैंग करके कि यहाँ पे स्पैरो आके या कोई बर्ड्स आके यहाँ पे खाना शुरू करे, लेकिन उन्होंने नहीं खाया था। फिर मैंने इसको एज अ डेकोरेशन रख लिया, और मैंने अपने सेन में ये बहुत प्यारी प्यारी पिक्चर्स वगैरह लगाई हुई हैं, क्योंकि मैं अपना बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना अपने सेन में भी गुजारती हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे चीज़ें इसको डेकोरेट करना काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये एक मेरी बाइक है, ये गैजेट में बच्चे लेके जाते हैं इसको, और साथ में हमारी 2 बाइसाइकिल्स पड़ी हुई हैं, उसके अलावा हमारी चेयर पड़ी हुई है यहाँ पे। तो ये शू रैक लगा हुआ है मेरा। इसके अलावा ये अस्सलाम वालेकुम वाला जो ये डेकोरेशन है ये मैंने ग्लोबल विलेज से लिया था, और ये बिल्कुल एंट्रेंस में मेरा थोड़ा सा मनी प्लांट है तो काफ़ी ख़राब हो गया, अभी इसको भी सही करना है, तो इंशाल्लाह वापस से ये सेट हो जाएगा। और ये मेरे पास 16-17 साल से है, ये बहुत पुराना है, आप देख भी रहे होंगे कि वो काफ़ी ख़राब भी हो गया, तो लेकिन ज़रूरी थोड़ी है जो पुरानी चीज़ें हो जाए उनको बंदा हमेशा फेंक ही दें। तो ये रहा मेरा छोटा सा प्यारा सा मिनी गार्डन, होप्स हो कि आप लोगों को मेरा ये प्यारा सा गार्डन पसंद आया हो। तो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों के पास कौन कौन से प्लांट्स हैं, या आप अपना दिन का कितना टाइम अपने प्लांट्स का साथ गुजारते हैं। तो ये मेरे आउटडोर भी प्लांट्स पड़े हैं, लेकिन अभी काफ़ी लोग आ रहे थे तो इसलिए मैं फिर बाहर नहीं गई। तो मुझे तो जब भी टाइम मिले तो मैं चेयर रख के या इनको साफ़ करने लग जाती हूँ, या इनके पास बैठ के चाय पीती हूँ, तो काफ़ी अच्छा इनके साथ मुझे लगता है। तो ये बाइक के ऊपर जितना भी सामान पड़ा हुआ है ये मेरी गाड़ी की डिक्की में से आया है, क्योंकि उसको सर्विस करवानी थी। तो ये मेरा जिम का बैग है, स्विमिंग का बैग है, और उसके बाद मेरा योगा मैट है, ये सारी वही चीज़ें हैं, ये वापस मेरी गाड़ी के अंदर ही चली जाएंगी जब वो सर्विस होके आ जाएगी। तो इसके बाद हम लोग अंदर चलते हैं, क्योंकि मैंने चूल्हे पे खाना रखा हुआ था अफ्तारी का, आज माशाल्लाह दूसरा रोज़ा चल रहा है। अंदर आते ही हमारा छोटा सा, मेरा फ्रीज़र के ऊपर एक और प्लांट पड़ा हुआ है इंडोर। तो आज मैं बच्चों के ही फरमाइश पे बटर चिकन बना रही थी, चिकन मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया, और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में इसकी ग्रेवी बनने के लिए रख दी है, इसको भी मैं स्टीम पे रहने दूँगी कि थोड़ा गल जाए। और उम्मीद है कि अल्लाह ताला आप सब का रमज़ान अच्छा गुजारता हो। और ये देखें, थोड़ी देर के लिए मैं गार्डन में गई थी तो ये मुझे इतनी गंदी से मॉस्किटो बाइट्स हो गई थी, तो अभी तो अपने गार्डन में जाने का वैसे भी टाइम नहीं है, काफ़ी मॉस्किटोज होते हैं वहाँ पे। ये रही मेरी ग्रेवी, इसको मैंने हमने अच्छे से मैश करके, तो मेरा बटर चिकन माशाल्लाह इतना यम्मी सा रेडी हो गया। और अपने बेटे को मैं अपने हस्बैंड के पास लटा के गई थी कि आप इसके साथ बातें करें, और मैं बाहर आई तो वो दोनों सो गए थे, माशाल्लाह इतने खूबसूरत ये लग रहे थे दोनों। वो देखिए, उसके पापा के ऊपर वो सोया हुआ है और वो सामने टीवी ऑन है, और वो टीवी देखते देखते सो गए दोनों।
उसके बाद आज मैंने फिशेस को थोड़ा जल्दी खाना डाल दिया था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उनको भूख लगी हुई है। तो इनके साथ भी आप बैठ के तो आप काफ़ी अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छा लगता है। और जब भी मैं इनको खाना डालती हूँ ना तो मुझे फिर ये खाना खाते हुए बहुत प्यारी लगती है। तो मुझे ये एनिमल्स का और प्लांट्स वगैरह का बहुत शौक़ है। ये जी आपसे बातें करते करते अफ्तारी का भी टाइम हो गया। स्पैगेटीज हमारे नेबर्स ने भेजी थी, ये बटर चिकन सॉस, वाटरमेलन वाइट राइस, और आज मैंने ओरेंज जूस बनाया, रूह अफ़ज़ा बनाया और बनाना मिल्क शेक बनाया था। सब बच्चों की फरमाइश पर ही बना था। तो इसके बाद मेरी ग्रीन टी, क्योंकि मुझे एनिमल्स का बहुत शौक़ है इसलिए ये मेरी कैट वाला कप। तो होप्स हो कि आपको मेरा आज का रमज़ान टू का डे टू सॉरी का व्लॉग अच्छा लगा हो। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।